स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, टॉपिक चल रहा है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप भी आईआईटी के लिए आए थे? कहाँ से? की 12th? 12th ट्वेल्थ में हो? कौन से कॉलेज में? हैं, गुरु नानक। पढ़ा दिया वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो 11th में पढ़ लिया होगा। करमचा हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम? पढ़ाया करमचा संजय अभी तो 11th में पढ़ाया था। एक क्वेश्चन है, एक दो तीन पांच और सात, ठीक है, में से केवल 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं? कितने अंक लेने हैं इसमें से? 3 अंक लेने हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितनी सम संख्याएं बन सकती है। करो बैठ के टॉपिक में। अरे स्थान देखिए, जब हम इस तरह क्वेश्चन किए करते हैं, एक तो क्या नाम है आपका? आर्यन आर्यन। देखिए, अगर हमारे पास टोटल वस्तुएं एन है, यदि उनमें से आर वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाने हैं तो उसका होता है हमारे पास एन पी आर। एन पी आर का फॉर्मूला याद है? बोलो क्या है?
सकता हूँ। इसका होता है फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो करते कैसे हैं इसको, क्लास करोगे अब या वैसे ही घूमना है? टेस्ट दिया था यहाँ पर बेटा, देखो अगर क्लास करोगे कंटिन्यू तभी कोई फायदा होगा, कभी कभी आओगे तो उससे कोई फायदा नहीं, उससे बेहतर तो क्लास ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम माइंड में टेंशन क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि जो कंपटीशन देने जा रहे हैं हलवानी है ये, इसने कंडीशन लगाई है कि एक तो कंडीशन ये है कि जो संख्या होनी चाहिए वो 3 अंक होगी, यानी कि 3 स्थान हमें हो गए। उसने कहा कि संख्या सम होनी चाहिए, अब इनमें से कौन सा अंक है जो इसको सम बनाएगा अगर हम इकाई के स्थान पर रखें? दो ही है ना, अगर यहाँ 2 रखेंगे तभी तो सम होगी, अगर नहीं रखेंगे तो सम नहीं होगी, विषम बन। तो ये तो स्थान इसका फिक्स हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचते हैं स्थान 2। हमने जो बताया था कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर जो क्रमचों की संख्या होती है ये वही होती है जो आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्थान बचे, संख्या कितनी बची हमारे पास? 4। यह तो आप ऐसे कर ले, 4p2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 4 × 12, ऐसे ये तरीका हो गया। या फिर इन 4 संख्याओं में से इसको भरने के स्थान 4 है, क्योंकि 4 कोई संख्या आ सकती है, आगे संख्या कितनी बची? 3, इसको भरने के 3 है, दोनों काम साथ साथ होंगे इसलिए इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 4 × 3 = 12। तो आप किसी भी तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब आता है कंडीशनल परमुटेशन। हाँ, कंडीशनल परमुटेशन, ठीक है। जैसे कहें प्रतिबंधित या प्रतिबंध में क्रम से कुछ प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों के साथ हमें क्रमचय निकालना होता है। प्रतिबंध क्या है? जैसे किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष वस्तु को रखना आवश्यक हो, इस दशा में प्रतिबंध का ध्यान रखते हुए शेष रिक्त स्थानों पर शेष वस्तुओं के रखने को क्रमचय निकाल लिए जाते हैं। एन असमान वस्तुओं में से एन असमान वस्तुओं में से एक साथ आर वस्तुएं लेने पर, आर वस्तुएं लेने पर क्रमचों की संख्या क्रमचों की संख्या जबकि कोई विशेष वस्तु जबकि कोई विशेष वस्तु अवश्य लीजिए ली जाए होती है आर एन माइनस वन टी आर माइनस एन। असमान वस्तुएं हैं हमारे पास, एक साथ कितनी वस्तु लेंगे हम? आर। तो जो क्रमचों की संख्या होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? उसने कह दिया कोई एक विशेष वस्तु ऐसी है जो हर बार लेनी है।
ठीक है, इसका मतलब समझो आप, जैसे कि आपको पांच वस्ते मान लिया ए बी सी डी ई दी, ठीक है, ये एन वस्तु मान लो, और इनमें से आर वस्तु लेकर आर बराबर मान लिया टू ले लो, दो वस्तु लेकर क्रमचय बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, अनेक होंगे, लेकिन यहाँ तक तो नॉर्मल क्रमचय, यहाँ तक नॉर्मल क्रमचय कैसे निकाल लोगे आप? ऐसे निकाल लोगे 5p2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जब कंडीशन लगा ली कोई वस्तु विशेष अवश्य ली जाए, मान लिया हमने कह दिया कि ए अवश्य लिया जाए, तो फिर क्या बनेगा? ए बी बनेगा, ए सी बनेगा, ए डी बनेगा और ए ई बनेगा, इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं, क्योंकि ए सबके साथ आना है। उस स्थिति में जो क्रमचों की संख्या होगी वो आर इंटू एन माइनस वन बी आर होगी। इसकी वैल्यू निकालना कितना है कि 5 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, 20 आ जाएगी नंबर। इस फार्मूले से अगर निकाल लें आर की वैल्यू कितनी है 2, एन माइनस वन फोर पी, आर की वैल्यू कितनी है 2, फोर पी वन, क्या आएगा 2 × 4 / 3, ये 4 फैक्टोरियल यहाँ 3 फैक्टोरियल, इससे से कैंसिल, 4 × 2 घट के क्रमचों की संख्या, नॉर्मल क्रमचे कितने आ रहे थे 20, जब हमने कंडीशन लगाई कितने आए 8, यानी कहने की बात ये है जो पूरी पूरी क्वांटिटी है नॉर्मल एनपीआर से छोटा, एनपीआर इससे बड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो आप, हमने मान लिया a1 a2 a3 an असमान वस्तु है, ठीक है, क्या है an असमान वस्तु है, इसमें से हमें r वस्तु लेकर क्या बनाने हैं क्रमचय, जबकि कोई विशेष अवश्य ली जाए, है ना, कोई विशेष वस्तु अवश्य ले जाए, अब देखो मान लिया A1, ठीक है, A1 अवश्य ले जाए, और वस्तु कुल कितनी लेनी है हमें आर, क्लियर है, आर वस्तु लेनी है, एक हमने आइडेंटिफाई कर दी A1 तो हमें लेनी लेनी है, ऐसे क्रम चयन निकाल ले। अब टोटल वस्तु कितनी बची एन माइनस वन, छाटनी और कितनी हमें आर माइनस वन, एक वस्तु निकाल ली हमने, फिक्स कर दी A1 हम हमेशा लेंगे, आर वस्तु लेनी थी एक ले ली तो आर माइनस वन बची, टोटल एन माइनस वन, यानी कि हमें देखना अब जब हमने A1 वस्तु ली, क्या ली A1 को हमने लिया, तो जो क्रमचय बने वो एन माइनस वन बी आर माइनस वन, इसी तरह से जब A2 को लेंगे कितने बनेंगे एन माइनस वन पी आर माइनस वन, उसके भी क्रमचय, इसी तरह से अगर हम A3 लेंगे कितने बनेंगे एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट अगर An तक लें कितने बनेंगे एन माइनस वन की आर माइनस वन क्रमचय की संख्या होगी, क्लियर है। अब जो टोटल क्रमचय होंगे हमारे, टोटल क्रमचय होंगे, अब ये A1 A2 An मैंने टोटल के लिए बताया, लेकिन ये टोटल An नहीं होगा, क्यों होगा, कितने पद तक लेनी, कितनी वस्तु लेनी आर लेनी ना,
जब ए वन ली, ए टू ली, ए थ्री ली, तो ऐसी टोटल वस्तुएं कितनी है जो हमें लेनी है? आर ही लेनी ना। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये अंदर लिखने से कुछ भी लिख दो आप, क्या ए करके इस तरह से आर पदों तक, समझे बात? ए एन का पत्ता जो सभी पदों तक लेते हैं। तो ये टर्म हमारी हो जाएंगी एन एन माइनस वन पी आर माइनस वन, एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये सारी तरह टर्म जोड़ देंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे इसको? आर अच्छा पदों तक। अभी से मान लो एक आम, दो आम, तीन आम, कितने आम हो जाएंगे? आर। तो आर आम हो गए। ये जो टोटल क्रमचय मैंने अभी फार्मूला बताया था आपका, ये उसका डेरिवेशन है, यानी कि उसको सिद्ध किया। ठीक है, यानी कि जब कोई एक वस्तु अवश्य ली जाए तो उस स्थिति में जो टोटल क्रमचय होंगे क्या होंगे? आर गुना एन माइनस वन बी आर माइनस वन, इसे लिखिए। ए टू और ए थ्री ना लिखते हैं, आप इसको लिखिए यहाँ पे ए वन प्रथम स्थान पर, ठीक है, ए वन दूसरे स्थान पर, ठीक है, इस तरह डॉट डॉट करते हैं, ए वन आरवे स्थान, ठीक है। तो लिख दीजिए, ये मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ, करने को तो अगर आप इसका फार्मूला कर लोगे भी काम कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे क्वेश्चनों में अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चनों को समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, कंसेप्ट का हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ
लिखने का काम तो उसमें पूरा हुआ, अब इसको डिटेल से और समझ के अच्छी तरह से। एन असमान वस्तुएं हैं, इस तरह से मान सकते हो A1, A2, A3, A4, डॉट 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 An। ये टोटल वस्तु कितनी है? एन। एक बार में हमें कितनी लेनी है? आर। यहाँ तक चलो आप एक नंबर ए आर, हमें इन वस्तुओं के क्रमचय बनाने, ठीक है। और वो कहता है कि एक वस्तु हमेशा ली जाए। मान लिया हमने A1 को हमेशा लेना, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हर बार जो क्रमचय बनेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया था, इसी तरह का एक एग्जांपल और समझाया। मान लिया हमारे पास ABC, ये एन की वैल्यू होगी, ठीक। आर बराबर हमने जो आर है उसको क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, यानी कि एक बार में कितनी वस्तु लेनी? 2। और हमने डिसाइड किया कि ए हमेशा रखा होगा, ठीक है। तो क्रमचय क्या बनेंगे? AB, AC, BA और C, ठीक। ए है इसमें पहले स्थान पे है, इसमें पहले स्थान, कुछ क्रमचित ऐसे होंगे जिनमें पहले स्थान पे है, जो टोटल इस कंडीशन के साथ क्रमचय बने हैं, 4 बने ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ क्रमचय तो ऐसे हैं जिनमें ए पहले स्थान पे है, कुछ क्रमचय ऐसे हैं जिनमें ए दूसरे स्थान पे, समझ रहे। यानी कि आर बराबर 2 लिया, आर बराबर अगर मैं 3 लेता तो फिर कुछ क्रमचय ऐसे भी आते जिसमें तीसरे नंबर हो। अगर कोई सेट ऐसा होता, मान लिया उसमें 10 वस्तुएं होती और 10 में से 9 वस्तुएं लेके क्रमचय बनाता और कंडीशन लगाता कि एक वस्तु हमेशा ली जाए, तो जो एक अकेली वस्तु है वह पहले स्थान पर भी रहती, दूसरे पर भी रहती, तीसरे पर भी, कितने स्थानों तक रहती? वह 9 स्थानों तक, ठीक है। अब इसी को दोबारा समझने की कोशिश करो आप। अब इससे जो क्रमचय बनेंगे, एक सेट तो इससे ऐसा बन जाएगा A1, A2, A3, डॉट डॉट, ठीक। एक सेट, क्योंकि वस्तु है तो वही ए आर ही लेनी। हालांकि ये जो वस्तुएं हैं बाद की, ये भी ली जाएंगी, यानी कि यहाँ तक, लेकिन ये नंबर है, ये तो मैंने सारी एक सेट में ले ली। अगले सेट में हो सकता है कि A1 तो ये ले लूँ मैं, ठीक, बाकी A2 को छोड़ दूँ मैं। A1 तो फिक्स कर दी मैंने, A1 का A2 यहाँ कर दिया, A1 कर दी दूसरे स्थान पे, A3 आ गई, डॉट डॉट डॉट, वस्तु ए आर लेनी, तो AR+1 भी तो ले सकता हूँ मैं, या 3 वाले को छोड़ कर मान लिया 4 ले ली हमने, ठीक। इस बार मैंने वस्तु कौन सी ले ली? AR+1 है, तो ये भी आ रही भाई, इसमें से कौन सी? 3 वाली भगा दी मैंने, इसके बाद की ले ली, कोई भी संख्या में आर होनी चाहिए। इसमें A1 दूसरे स्थान पर, अगले में तीसरे स्थान पर होगा, हो सकता है किसी में चौथे स्थान पर। अब यहाँ जब हमने A1 को पहले स्थान पर लिया, फिक्स कर दी कि भाई आप 10 पोजिशन पर रहोगे, तो जगह को तो कोई और नहीं भर सकता, ये कितने स्थान बचे हमारे पास? R-1। टोटल कितनों में से लेने हमें? N-1, क्योंकि यहाँ से हमने A1 कम कर दिया, तो N-1 पी R-1, इसके क्या होगी? कर्मचारियों की संख्या, जब A1 प्रथम स्थान पर है, जब A2 दूसरे स्थान पर, उसकी कितनी होगी? इसी तरह R पदों तक सबकी कितनी होगी कर्मचारियों की संख्या? ये है। तो जो कुल ऐसे कर्मचारी जिनमें
कोई वस्तु अवश्य ली जाए, क्योंकि इसमें जो कहा आपने कोई विशेष वस्तु अवश्य ली जाए, अगर वो कहता है कि वस्तु पहले स्थान पर रहे तो फिर क्या आता है, सिर्फ एन माइनस वन पी आर माइनस। लेकिन उसने कह दिया कि विशेष वस्तु अवश्य ली, एक वस्तु ली जाएगी अवश्य वो, लेकिन उसका स्थान कहीं भी वेरी होगा, स्थान वेरी के साथ ही वो क्रम चूंकि संख्या हमारी बढ़ जाएगी, जिसका फार्मूला हमारा आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन है। अब हमारे पास अगर एन वस्तुएं हैं और एक बार में कितनी वस्तुएं लेनी है हमें, कुल क्रमचे कितने होंगे बताइए, कुल क्रमचे कितने होंगे, कुल एन वस्तुएं हैं एक बार में आर वस्तुएं लेनी कितने होंगे, एन वस्तुएं हैं एक बार में आर वस्तुएं लेकर जो क्रमचों की संख्या होगी वो एन पी आर ही तो होगी। तो यही तो कर रहा है, तो कोई विशेष वस्तु का तो कोई जिक्र नहीं किया मैंने, ये तो कॉमन चीज है। अगर कोई विशेष कंडीशन देता कि एक वस्तु है कोई विशेष वस्तु अवश्य ली जाए, ठीक है। अब यहां एक फॉर्मूला दिया हुआ है एन पी आर इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस, ये फार्मूले का क्या मतलब, ये समझना चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग के मतलब का है। ये क्या है, कुल क्रमचों की संख्या, एन माइनस वन कुल वस्तुएं थी एन, उसमें से आर आर वस्तु लेकर क्रमचों की संख्या था एन पी आर होगी, अगर उसमें से एक निकाल दे, इसका मतलब क्या है, एक विशेष वस्तु कभी न ली जाए, यही तो मतलब हो गया इसका। हमने वो लड़ाई से पहले ही बाहर वार मानी नहीं, क्योंकि हमने एक कम कर दी, इसका एन माइनस वन पी आर का मतलब है कि एक विशेष वस्तु कभी न ली जाए, इसका मतलब कभी पता ही, कोई विशेष वस्तु कभी अवश्य ली, ठीक है। ये दोनों आप ये लिख के से प्रूव करो, राइट हैंड साइड लेके चलो उसकी, ठीक है, कौन साइड लेके चलनी है, राइट हैंड साइड लेके चलो और लेफ्ट हैंड साइड देखो आपकी नहीं जाएगी।
इससे ये ट्राई करो, इससे ये नहीं बन पाने का, इससे ये ट्राई करो। स्कूलों क्या पढ़ा रहे 12th में? हो जाएगा करो। जो राइट हैंड साइड दी हुई है वह है n माइनस वन बी आर प्लस आर n माइनस वन। इस तरह क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ नहीं, आपको फैक्टोरियल ओपन करने होते हैं। इसको लिखेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल और इसको n माइनस वन माइनस आर, ठीक है, ऐसे लिखेगा ना, प्लस आर एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर, ठीक है। वन से वन कैंसिल, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे से क्या कॉमन आएगा बताओ। अगर हम यहाँ से n माइनस वन और ये r फैक्टोरियल कॉमन ले लें, यहाँ से क्या बचा वन प्लस, यहाँ से क्या बचेगा r, और यहाँ से क्या बचेगा n माइनस r फैक्टोरियल है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल और वो हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से सिर्फ n माइनस r बचेगा ना, ये बताओ समझ में आया, ठीक है। एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसे चाहे तो लिख लो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, बोलो ये कितना बचा एन, और ये क्या बचा n माइनस आर, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, n माइनस आर माइनस वन n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये क्या है एन पी आर,
वर्ड है स्कॉलर, के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कंडीशन पहली है कि जो पहला अक्षर है एस और अंतिम अक्षर ठीक, कितने वर्ड बनेंगे। दूसरी कंडीशन है मिडल में कौन सा लेटर हो। तीसरी कंडीशन है ओ ए एक साथ रखते हैं। ठीक, चौथी कंडीशन है ओ ए एक साथ मैच। पांचवी है एस सी एच एक साथ रख।
Pero yo veo aquí subí más petróleo. Voy a usar petróleo. ठीक वो ना कहीं भी रख सके जी भाई, मतलब है एक साथ रखे जाए और एक साथ में चाहिए कहीं भी रख नीचे आगे पीछे।
इसका लड़का भी शायद टैटू ही लाएगा भाई, शायद टैटू ही। तीन तीन मल्टीपल है पार्ट। पहला उत्तर एस। देखिए जब इस तरह की कंडीशन होना सीधा भी देख लो, फुल लेटर हमारे पास कितने हैं? अब कह रहा कि पहला अक्षर एस हो और बाद का अक्षर क्या हो? आर। कितने लेटर बने? बीच में कितनी जगह बची? पांच जगह बची। लेटर भी कितने बचे? यानी कि फाइव पी फाइव, जिसको कह लो फैक्टोरियल फाइव, क्योंकि इसके बढ़ने की जगह पांच, इसके अगले की चार, इसके तीन, इसका दो और इसका पांच, जो 20 60 दूनी 120 इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। मिडल में ओ आए, ओ फिक्स कर दिया, तीन जगह तो ये बची, तीन जगह ये बची, छह लेटर हैं, छह जगह है, 6p6 या फैक्टोरियल 6 यानी कि 700। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है? ओए ओ ए एक साथ आने हैं, अगर ओ ए को एक साथ कर दें, दो लेटर ही आए, आगे कितने लेटर बचे? वहां सात ही लेटर थे ना इसमें, इधर देखो ओ ए एक साथ दो लेटर, आगे कितने लेटर बचे हैं? पांच। ये लेटर एक लेटर की तरह ट्रीट करेगा और ये जो है तो पांच लेटर की तरह ट्रीट, यानी कि हमारे पास कितने लेटर हो गए? सिक्स लेटर, और सिक्स लेटर को छह जगह पर रखना है, कितना आएगा? फैक्टोरियल सिक्स। लेकिन जिसमें ओ और ए इकट्ठा आएगा वहां ओ ए भी हो सकता है, ए हो, ये दोनों भी अपनी जगह बदलेंगे, तो इसके अपनी जगह बदलने के कितने हो जाएंगे? दो स्थानों को दो उससे बढ़ने से फैक्टोरियल टू, दोनों साथ साथ चलेंगे तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल थ्री, कितना आएगा ये? सिक्स फैक्टोरियल कितना आएगा? 720 इंटू टू 1400। अब ये कह रहा कि ओ ए एक साथ न रखते जाए, ओ ए एक साथ न रखे जाए, ये होगा कुल क्रमशः माइनस ओ ए सात रखे जाए, समझे? एक साथ ना रखे जाए ओ वह ए एक साथ ना रखे जाए, कुल क्रमशः माइनस इस पर सात ना रखे, वो एक साथ न रखे जाएगा जो होगा कुल, और इसमें सात रखे गए, कुल कितने होंगे? सेवन फैक्टोरियल, क्योंकि सेवन एलिमेंट है, और जो एक साथ रखे गए कितने हैं? 1440। सेवन फैक्टोरियल की निकाल लो कितना होगा ये? 720 और 770 49 50 5040 आ जाएगा, इसमें से 1440 घटा के
40 से 40 गए, 50, 14, 36 हो गए, ठीक है। परम जोगी संख्या एस सी एच एक साथ रखे जाए, एस ये कौन सा है फिर अगला, पांचवा नंबर, एस सी एच, आगे क्या लेटर बचे, ओ एल ए आर, ये तो चार लेटर हैं, और ये कैसे ट्रीट करेगा, एक लेटर किधर है, तो इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल, पाई, और ये भी आपस में स्थान बदलेंगे कितने प्रकार से, फैक्टोरियल, ठीक है। अब समय में ना आओ तो पूछ लो। इसने कहा कि तीनों इकट्ठे रहेंगे जहां भी जाएंगे, तो ये तीन जो लेटर है एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे ना, बाकी और लेटर कितने बचे, चार, ठीक है, चार लेटर ये एक ही है, तो पांच हो गए समझो हमारे पास, तो पांच के जो परमचे बनेंगे कितने बनेंगे, फैक्टोरियल, पाई, अभी जो तीन लेटर हैं आपस में तो जगह बदलेंगे, तीन लेटर हैं और तीन ही जगह है समझो हमारे पास, ये इसको बढ़ने का स्थान कितने हैं, तीन, एक लेटर कोई भी आ गया बाकी फिर कितने बचेंगे, दो, वन, यानी कि फैक्टोरियल थ्री, ये तो बदले ही बदलेंगे आपस में, एंड फैक्टोरियल थ्री इसके बदलने के कारण ये आंसर आ जाए।
क्वेश्चन है 10 और 10 हजार, नहीं 1 हजार के बीच की कितनी संख्याएं? 2, 3, 4, 0, 8, 9 अंकों से बनाई जा सकती है, जबकि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या ना हो? पुनरावृत्ति ना हो। संख्या किसके बीच की होनी चाहिए? 10 और 1 हजार। दस और 1 हजार के बीच। अच्छा 10 और 1 हजार के बीच बस 25 संख्याएं रही हैं। लेकिन तब नहीं। हाँ 2, 3, 4, 0, 8, 9 अंक हैं। किसी भी संख्या में अंकों के लिए लगा था किसी पर्टिकुलर में भी नंबर किसी भी दो को दो बार लिखते हैं। इसमें जो है 10 और 1 हजार के बीच जो संख्याएं होंगी, 10 के बाद पहली संख्या कौन सी है? 11। दो अंकों की तो क्या हो जाएंगे 1199 तक की, और 3 अंकों की 100 से लेकर 999। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 अंकों की देखते हैं कितनी बनी, कितनों की? 2 अंकों। दो अंकों की तो उसने 10 और 1 हजार के बीच कुल संख्या पूछा, उसने अंकों की पूछी कि 2 अंकों की या 3 अंकों, वो हमें खुद देखना, समझ गए? जो 2 अंकों की संख्याएं हैं 1 और 2, इस स्थान को भरने के लिए कितनी संख्या है हमारे पास बताओ? कितनी है? 6। और इस स्थान को भरने के लिए? 5। और इसके लिए? इसके लिए 5। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या 2 अंकों की रह जाएगी? अब 3 अंकों की। एक दो इसके लिए कितनी संख्या है? 5। इसके लिए? 5। इसके लिए 4। कितनी होगी? 100। जो टोटल संख्याएं होंगी 10 और 1 हजार के बीच में वो होंगी 25 प्लस 100, 125। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन शब्द है ई
शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि स्वर एक साथ रखे जाए। पहली कंडीशन, दूसरी में सात नल, और फैक्टोरियल का मान कितना होगी? और फैक्टोरियल का मान 6×21 720 है। सात का 50 40 जी। और फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, दूसरे का है जी। और फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल गुणा 4।
यार और 8 यार। ये बीच की कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 6, 8 छह अंकों से बन सकती है जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति नया हो ठीक है।
हो गया। काफी गड़बड़ हो रखी है। छह हजार और 4 हजार हमारे पास अंक कितने हैं? चार स्थान। ठीक है, संख्या चाहिए 6 हजार और 8 हजार के बीच। इस जगह को भरने के लिए कितनी संख्या है हमारे पास? कितनी है? ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 2 3 4 कर देते हैं तो 6 हजार से छोटी संख्या हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो इसी तो हम रख सकते हैं, अगर 8 रखेंगे तो संख्या 8 हजार से बड़ी हो जाएगी। तो सिर्फ कितना ऑप्शन है हमारे पास? एक। इसको भरने के लिए कितना ऑप्शन है? और इसको 5 4 20 समझे। थोड़ा इन चीजों पे भी गौर कर लिया ना, कि बाज दफा क्या होता है, जिसे ट्रैक पर हम चलते हुए होते हैं ना उसी पे ही, तो हम वही कर देते हैं। समझ में आया भाई? आर्यन कुछ आज पढ़ा हुआ? कितना समझ में आया, क्या परसेंट आया उसमें? इससे आसान तरीके से और इससे ज्यादा बेस तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। इससे बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत पढ़ाई जा सकती है। जो फॉर्मूला है इसे लर्न करके आना है नेक्स्ट क्लास में। एक्स बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। डिस्कस इसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को लर्न करके आना और संभवतः कल तो छुट्टी रखूँगा मैं, क्योंकि मेरी मीटिंग है 2 बजे। ठीक है, और उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग है सर, तो तब भी हो सकता है 4 ही क्लास बंद रहे। सैनिक ही है, एक तो बोलना।